हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, एंड आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए आपको DPI सेटिंग के बारे में बताऊंगा। जो थंबनेल मैंने लगा रखा है वही आपको बताऊंगा, DPI सेटिंग। तो सैमसंग गैलेक्सी M01 को DPI सेटिंग। तो सिंपली गाइस, मैं सेटिंग से शुरुआत करूंगा। एंड सेटिंग से शुरुआत करने से पहले गाइस, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना है। एंड मैं चलता हूँ सीधा सेटिंग में। सिंपली गाइस, मैं सेटिंग में आता हूँ। सेटिंग में आने के बाद गाइस, आपको डेवलपर ऑप्शन अनेबल करना होगा। जो आपको नहीं आता है तो शॉर्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पर देख लेना। एंड सिंपली गाइस, मैं यहाँ पर सिस्टम सेटिंग में आ जाता हूँ। एंड यहाँ पर से गाइस, आपको कुछ नहीं, डेवलपर ऑप्शन में आ जाना होगा। सिंपली गाइस, डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके फ़ोन में एक DPI का ऑप्शन होता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड कर देता हूँ कि ये DPI एक है क्या, एंड ये DPI से आपको क्या करता है। तो सिंपली गाइस, DPI ना आपके फ़ोन का जो यहाँ पर टच पॉइंट देख रहे हो ना गाइस, ये थोड़ा सा स्मूथ आपको बढ़ा देता है। मतलब अगर आप गेमिंग वेमिंग भी करते हो ना, थोड़ा बहुत लैग इशू होता है आपके फ़ोन में, वो लैग इशू को थोड़ा कम कर देता है। तो ये DPI सेटिंग ऐसा है। तो आप ऊपर से देखोगे तो एकदम धीरे से नीचे से स्क्रॉल आता है, वो जल्दी से होने लगेगा। मतलब थोड़ा टच पॉइंट थोड़ा अच्छा काम करने का, ये DPI का सेटिंग है। तो सिंपली गाइस, मैं सेटिंग में आता हूँ, फिर से डेवलपर ऑप्शन में चला जाता हूँ। मैं सिंपली डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद गाइस, आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा जब तक आपको DPI सेटिंग ना नजर आए। तो सिंपली गाइस, मैं आता हूँ डेवलपर ऑप्शन में। आने के बाद आपको यहाँ पर DPI सेटिंग में आपको खोज लेना होगा DPI सेटिंग का है। तो सिंपली गाइस, आपको नीचे बहुत सारे नीचे मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, मिनी UM डिवाइस, तो एक DPI का ऑप्शन है। तो सिंपली गाइस, इसको आप जैसे टैप करोगे उसके बाद देख सकते हो गाइस, मिनिमम विन डेट, कुछ ऐसा एरर आ रहा है। तो सिंपली गाइस, आप अपने फ़ोन का DPI कैसे बढ़ा सकते हो, तो ये मैंने आपको ये तो बता दिया कि DPI सेटिंग हो ऐसा होता है। तो DPI सेटिंग आपको कैसे बढ़ाना है, तो सिंपली गाइस, DPI सेटिंग आपको बढ़ाने का इस फ़ोन में कोई भी, मतलब क्या बोलेगा इस, उसको कोई भी सेटिंग नहीं दिया है। एक ही मात्र सेटिंग है जो ये मिनी डिवाइस ये जो DPI है, इससे ही आप बढ़ा सकते हो। तो आप, मैं दूसरे फ़ोन में गाइस इसी से बढ़ा लेता हूँ। बट DPI गाइस आपको यूज़ करने का फ़ायदा भी मिलेगा एंड इसके नुकसान भी मिलेगा। तो गाइस, अगर इस DPI को आप 360 से ज़्यादा कर देते हो तो आपका फ़ोन ज़्यादा हीट होता है, आपका फ़ोन ख़राब होने का चांस रहता है, बैटरी वगैरह फूटने का। एंड ये जो आप DPI है जो आपके फ़ोन में नॉर्मल है, तो सिंपली गाइस, इधर से मैं आता हूँ DPI। एंड गाइस, इस DPI को अगर आप बढ़ाते हो, अगर आपके फ़ोन में बढ़ाने का नहीं दिया है तो ठीक ही दिया है, क्योंकि गाइस 232 के मोबाइल में आजकल DPI सेटिंग कभी पुराने वाले फ़ोन में मिलता है, अभी के न्यू फ़ोन में नहीं मिलता है। क्योंकि ये जो गाइस DPI है, ये ख़तरनाक सेटिंग है जो आपके फ़ोन में रहता है। बट हमारे फ़ोन में क्या किया है, सिक्योरिटी के रीजन से ये मिनी DPI को हटा दिया है। मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते DPI को, जो 360 पे है वही पर रहेगा। ठीक है, ये सेंसिटिविटी बढ़ाता है DPI सेटिंग। तो मैं ये वीडियो में यही बताने वाला था कि अगर आपके पास कोई दूसरा डिवाइस भी है तो आप ये जो DPI है इसको आप कम ज़्यादा मत करना। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया ये सेटिंग में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।